दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा और अपने इष्ट देवों के लिए मंत्रों का उच्चारण करना बहुत शुभ फलदायक होता है। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं। भगवान हनुमान को कलयुग का देवता माना गया है। मान्यताओं के अनुसार आज भी राम भक्त हनुमान इस पृथ्वी पर स्व शरीर भ्रमण करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है, फौरन ही उसके कष्टों को हरने के लिए आ जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही लाभदायक माना गया है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हनुमान चालीसा का पाठ करने से है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से रोजाना सच्चे मन से बजरंग बली को याद करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में शनि अशुभ है तो नियमित हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के सबसे पूजनीय देवों में गिने जाते हैं और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ हजारों मंत्रों के बराबर प्रभावशाली है। वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ पूरा पाठ बहुत ही उपयोगी माना गया है, लेकिन इसकी कुछ चौपाइयों को भी अगर नियमित जाप किया जाए तो बजरंग बली सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे कुछ चौपाई है जो कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की इस चौपाई को बहुत उपयोगी माना गया है। अगर किसी व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी चीज का भय सताता है तो नियमित इस चौपाई का जाप करने से मन से भय समाप्त हो जाता है। दूसरा चौपाई है, नासे रोग हरि सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जो व्यक्ति हमेशा किसी न किसी तरह की बीमारियों से पीड़ित रहता है, उसे नियमित रूप से इस चौपाई को सुबह और शाम के वक्त हनुमान जी का नाम लेकर जाप करना चाहिए। दूसरा तीसरी चौपाई है, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा की ये चौपाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि हनुमान जी आठ सिद्धि और नव निधियों के देने वाले भगवान है। इस वरदान को माता सीता ने हनुमान जी को दिया था। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में शक्तियों को प्राप्त करना है तो हनुमान चालीसा के इस चौपाई का पाठ जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। जय श्री राम। धन्यवाद।